हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं क्रिएटिव पारुल। तो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जिसका नाम है एपन। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरे पास है यहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़। आज मैं इसी को पेंट करूँगी। तो सबसे पहले पेंट करने के लिए मुझे चाहिए रेड एक्रेलिक पेंट और मेरे पास है ये नॉर्मल सा पेंट ब्रश। तो गाइस, एपन आर्ट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कलर्स होते हैं वो रेड और वाइट ही होते हैं। मैं इस कुल्हड़ को पूरा रेड पेंट से कवर कर दूँगी। और गाइस, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक ही डायरेक्शन में पेंट करना है जिससे लाइंस विजिबल ना हो। अब मैं फटाफट से इसको पेंट कर लेती हूँ। गाइस, पेंट तो रेडी है। अगर आप इसमें डबल कोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। इस कुल्हड़ में वाइट पैटर्न बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी फेविक्रिल का वाइट एक्रेलिक पेंट। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं पैटर्न बनाना शुरू करती हूँ। वाओ गाइस, हमारा कुल्हड़ तो एकदम रेडी है और ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, आपको कैसा लगा। इसी से रिलेटेड मैंने और भी चीज़ें बनाई हैं। ये एक मिट्टी का दीपक था जिस पर मैंने एपन आर्ट की है। और गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। इसमें भी मैंने छोटे छोटे पैटर्न बनाए हैं और बीच में एक स्टार टाइप का कुछ बनाया है, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास एक छोटा सा कोस्टर जिस पे मैंने बीच में एक गणेश जी बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और मैंने इसमें बहुत डिटेलिंग वर्क किया है ताकि ये दिखने में बहुत अच्छा लगे। और नेक्स्ट है गाइस मेरे पास ये स्पैचुला जो कि मैंने किचन से उठाया था और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। इस पर मैंने छोटे छोटे फ्लावर बनाए हैं बीच में और साइड में डॉट डॉट्स का वर्क किया है। तो ये है मेरे सारे एपन डिज़ाइंस। आपको कौन सा पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।